हेलो बच्चों, तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। बच्चों, थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमें तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस चाहिए होते हैं। सपोज इस एक्सेस को मैंने एक्स, इसको वाई और परपेंडिकुलर ब्लू एक्सेस को जेड एक्सेस का नाम दिया, तो इन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस से जो पूरा सिस्टम बनेगा उसको कहेंगे थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बच्चों, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के कंबाइंड सरफेस को एक प्लेन कहते हैं, और एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस से बने हुए प्लेन सरफेस को हम एक्स वाई प्लेन कहेंगे। एक्स वाई प्लेन यहाँ पे रेड कलर के एक सरफेस से दिखाया जा रहा है। थोड़ा और रोटेट करके मैं आपको एक्स वाई प्लेन दिखा देता हूँ। सो दिस इज हाउ द एक्स वाई प्लेन लुक्स इन रियलिटी, राइट? तो बच्चों, एकदम सिमिलर तरीके से मैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बने हुए प्लेन को वाई जेड प्लेन कहूंगा। आप ग्रीन प्लेन को वाई जेड प्लेन कह सकते हैं, और सिमिलरली एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से बने हुए प्लेन सरफेस को हम एक्स जेड प्लेन कहेंगे। अब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस थ्री डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उस पॉइंट को इस स्पेस में लोकेट करना होगा। सपोज मैंने कोई पॉइंट ए, कुछ कोऑर्डिनेट है यहाँ पे रख दिया। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स कैसे पता चलेगा? इस ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जानने के लिए हमें इस ए पॉइंट का वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी जानना पड़ेगा। अब वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी क्या है? वाई और जेड, वाई एक्सिस जेड एक्सिस, और इससे परपेंडिकुलर दूरी ये है। सिमिलरली एक्स जेड प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी एक्स एक्सिस, और जेड एक्सिस से परपेंडिकुलर दूरी वाई कोऑर्डिनेट, विच इज दिस, एंड एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर दूरी जेड कोऑर्डिनेट। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट का एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट आसानी से जान सकते हैं।